ये विपक्ष की बात थी। लखनऊ चलते हैं अनुभव शुक्ला के पास और उनसे जानते हैं कि आज पूरे दिन कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रहेगा और क्या बड़ी बातें आज हो सकती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बताइए अनुभव। देखिए बिल्कुल 4.5 साल आज पूरे हो रहे हैं और हम इस वक्त लोकभवन में मौजूद है जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद सरकार की जो 4.5 साल की उपलब्धियां हैं उन्हें बताएंगे, उन्हें गिनाएंगे, या हम कहें कि जो यूपी का जो डेवलपमेंट का एजेंडा रहा, जिस पर सरकार ने काम किया वो क्या रहा और जो घोषणा पत्र में बातें थी उन्हें कितना पूरा किया, इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री बताएंगे। सरकार ने इसे देखिए नाम दिया है 4.5 साल का जो विकास उत्सव है वो नाम दिया है और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक अलग अलग योजनाएं, अलग अलग जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक। जैसे आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके अलावा जितने भी सरकार के मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, वो अपने अपने प्रभार वाले जिले में जाएंगे, वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जितने सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो अपने भी क्षेत्र में रहेंगे और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की इन उपलब्धियों को गिनाएंगे। यानी एक पूरी विस्तृत कार्य योजना तैयार है कि कैसे सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना है और वो इसलिए क्योंकि बार बार चाहे सरकार का कोई भी मंत्री हो, चाहे पार्टी के कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, वो यही कहते हैं कि जितना हमने इन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की योजनाएं दी हैं, हमने जितने लाभार्थी जोड़े हैं उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ, और अगर हमने उन तक ये बात पहुंचा दी, ये मैसेज पहुंचा दिया, लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि किस तरीके से विकास के काम हुए हैं, किस तरीके से लोगों की मदद हुई है, किस तरीके से अगर हम कहें मिशन रोजगार के तहत 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं सरकारी विभागों में, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, ऑपरेशन नेस्ता नाबूद चलाया, जो भूमाफियाओं के कब्जे से ज़मीन को मुक्त कराया, मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर काम हुआ है। हालांकि भले ही विपक्ष तमाम सारी बातें कह रहा हो लेकिन सरकार अपना साफ तौर पर उसका मानना है कि हमारी जो भी योजनाएं थी, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, एयरपोर्ट का हब बनाया जा रहा है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हर समय हम कहें तो हर बात पर अगर आप देखिए तो चाहे पार्टी के नेता हो, चाहे सरकार के मंत्री, वो इनका जिक्र करते हैं। और आज भी जब 4.5 साल पूरे हो रहे हैं तो खुद मुख्यमंत्री लोकभवन से इन्हीं सारी चीज़ों को बताएंगे और सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में इन सारी चीज़ों को बताएंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर हम चुनाव से ठीक पहले जनता के को ये बताने में कामयाब रहे कि हमने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ योजनाएं चलाई हैं, तो शायद इसका फायदा चुनाव में सरकार को, पार्टी को, दोनों को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपने महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताई, किस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं, सम्मेलन पे सम्मेलन हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे भी खबर पर चर्चा के लिए आपके पास हम आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि योगी सरकार को आज 4.5 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सरकार के तमाम मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और इसी विकास के नारे के साथ 2022 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। साथ ही अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तो बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अधूरे पड़े कामों को सरकार ने पूरा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। प्रदेश की योगी सरकार को आज 4.5 साल पूरे हो रहे हैं और आज सरकार एक वृहद कार्यक्रम करने जा रही है। पूरे प्रदेश में अपनी उपलब्धियां बताने का काम सरकार के जो मंत्री हैं वो करेंगे, सांसद करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रम विभाग देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सर, 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज, अब 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बाद चुनाव होंगे, क्या लग रहा है कि जो वादा किया था जनता से 17 में उसमें ज़्यादा चीज़ें पूरी की हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ अपने किए गए वादों की कसौटी पर खड़ा करने का पूरा प्रयास किया है और हर क्षेत्र में जहां पूरे उत्तर प्रदेश में चतुर्दिक विकास की बयार बह रही है, 6 लेन 8 लेन की रोडें बन रही हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, वहीं पर शहर गांव हर जगह अच्छी सड़कों का जाल बिछा हुआ है,
एक और बड़े पैमाने पर हवाई जहाज लाने की व्यवस्था की जा रही है, यानी हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनकर के निर्माण हो गए हैं। हर जिले में हवाई पट्टी बनाए जाने का योजना चल रही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हवाई अड्डा तैयार हो चुका है, एक कुशीनगर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वहीं दूसरी ओर जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसके साथ ही साथ आज जिस तरीके से हम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं, आज हर घर और हर जन तक हमारी योजना पहुंच रही है। क्या मेरी हसन साहब अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।